oldu. Tutum sirf meleği. Sirf meleği. Melek mi? Melek onda sacci muhabbet diye. जीत गई तो पिया मोरे के अधिराज की देवी को लग गई है गोली, उसकी जान पड़ गई है खतरे में। देवी ने खुद ही ये गोली खाई है अपनी सास को, अपने पति की मांसा को बचाने के लिए। जी हाँ, वो स्वयं ही गोली का शिकार हो गई, क्योंकि देवी तो महान है। चाहे सास कितना भी परेशान क्यों ना करती हो, मगर वो तो सीरियल की आदर्श बहू है। आखिर सास को मरने कैसे दे सकती है? महान बनने का ये मौका आखिर वो कैसे गंवा सकती है? हाँ, परिवार पे, पति के परिवार पे, पति पे कोई भी आंच आएगी तो देवी देवी से गुजर के जाना पड़ेगा किसी भी मुसीबत को। तो अगर मुसीबत आई है तो अवश्य देवी अपने परिवार को बचाएगी और कुछ भी करेगी। माँ सा माँ है ना, मेरे पति की माँ है, मेरी माँ है, तो माँ के ऊपर गोली चलेगी तो ऑब्वियसली हम बचाने जाएंगे ही ना। देवी पर गोली चलाई उसके ही देवर मुकुंद के प्रेमी किरण ने, क्योंकि मुकुंद और किरण ये दोनों ही लड़के एक दूसरे को प्यार करते हैं। देवी ने पहले ही अपने देवर को अपनी ये सच्चाई परिवार वालों के सामने उजागर करने के लिए कहा था, सलाह भी दी थी, मगर मुकुंद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वहीं उसका प्रेमी किरण आ पहुंचा और मुकुंद को पाने के लिए उसने बंदूक निकाल ली और परिवार वालों को धमकाना शुरू कर दिया। मेरे मुकुंद को तुम मुझसे दूर करना चाहते हो? इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे? खासकर मांसा को, क्योंकि मांसा मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा किसी लड़के से प्रेम कर सकता है। किरण ने मुकुंद को पाने के लिए मांसा को ही रास्ते से हटाने का मन बनाते हुए गोली चलाई, मगर देवी आ गई और हो गई घायल। अधिराज दौड़ा और देवी को उठाकर अस्पताल ले गया। न जाने देवी बचेगी या नहीं। मुकुंद, तुम सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।